காப்பாடுற யச்சு. हिंदी पढ़ो. और आप क्या पढ़ रहे हैं? आज बच्चों के ट्यूटर 8 बज गया और अभी तक आए नहीं हैं. ये बच्चे परेशान हैं कि किसी तरीके से इनको ये खुशखबरी मिल जाए कि वो आएंगे ही नहीं. लेकिन खैर उन्होंने फ़ोन किया कि वो अभी थोड़ी देर में आएंगे और ये सब अपने अपने काम में लगे हैं. और मेरा काम भी अब शुरू होने वाला है. वो क्या है आप सबको पता है. ये टाइम होता है हाउसवाइफ्स का किचन में जाने का, डिनर बनाने का. तो अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने. चैनल दिल की बातें और आप हैं हमारे साथ, यानी मेरे और किसके साथ? मम्मी के साथ. नहीं, मेरे और यशु के साथ. अच्छा, मम्मा के साथ ना. मम्मा का नाम है शाम के बज रहे हैं 7 और बच्चे पढ़ रहे हैं. चाय हो गई है. और ये देखो एक शरारती बच्चा है, इसका पढ़ाई में दिन नहीं लग रहा है. गाए ये ब्लॉग में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. कल के दिन का ब्लॉग का मेरे साथ फिर वही ट्रेजेडी हो गई. पता नहीं कैसे राडा. एक्चुअली मेमोरी इतनी कम होती, कुछ डिलीट करो तो सब इकट्ठे ही उड़ जाता है. कुछ समझ में ही नहीं आता है क्या हुआ है ना. और बाबू आप बताओ कुछ. क्या बताऊं? क्या बताऊं? क्या बताऊं? कुछ बताओ. क्या क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो आप? पावर खत्म है. पावर खत्म है इनकी. चाय तो पी है, फिर कैसे पावर खत्म होगी? चाय से थोड़ी आती है. चाय से तो काले हो जाते हैं. चाय से काले हो जाते हैं. कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं. क्या बनाया जाए शिवू? हाँ हाँ हाँ, जो मर्जी वो बना लेते हैं फिर नाटक. समझ नहीं आ रहा सच्ची में क्या खाना. चलें किचन में देखें क्या आप बनाए. उजड़ा चमन ना बनिया. फाइनली मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या बनाऊं. तो मैंने ये आलू बॉयल होने के लिए डाले हैं. मैं आलू टमाटर की आज सब्जी बनाऊंगी भंडारे वाली, और राइस और रोटी. और मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि एक मिनट में फ्रंट कैमरा. मैं हंस इसलिए रही थी कि मतलब मैंने ना रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और मैं बोल रही और कैमरा ऑन ही नहीं किया. शिव कह रहा मम्मा कैमरा तो ऑन कर लो. मतलब आजकल मेरी बुद्धि समझ जाइए कितनी फास्ट चल रही है. मतलब ओल्ड डाटा के साथ मैं न्यू भी इतनी मेहनत करती हूँ फिर बर्बाद कर देती हूँ खुद ही. तो फाइनली ज्योमेट्री लेकर आ रहा हूँ. इधर आइए पहले. लेट हो जाएगा. पहले इधर आइए. ये जो बच्चा है ना इतना परेशान करता है. अब मैं इसकी शाम को मैंने बहुत टाइम से मोस्टली हो गया मुझे 2-3 साल जब से शाम की पूजा का यही सारा इसका ही जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इधर आइए भागिए नहीं. और ये जो है ना अब इधर 15-20 जब से बड़े बच्चे हो जाते हैं ना तो इनको भगवान जी से भी दुख कैसी वो हो जाती है. इनको वो भी पहाड़ लगने लगता है काम. अब मैं कह रही हूँ ऊपर जाके पूजा करके आओ फिर अपने काम करो. नहीं पहले पूजा. नो पहले पूजा. तो इनको वो भी पहाड़ लगता है. तो बच्चों में थोड़ा सा रिलीजियस होना जरूरी है. अब उनको भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ना अपने रिलीजन के बारे में.
कैसे तब तक मैं ले आऊं, पूजा पाठ कैसे करनी है, पहले जाइए कैसे करनी है। तो मतलब ये है उनको, लेकिन जब बच्चे ऐसे ग्रोइंग एज में होते और सुन मतलब समझ जाइए कि जो इनकी ये एज होती है 13+ में, तो इनका थोड़ा दिमाग इधर उधर होने लगता है। ये मेरे किचन साफ करने के कपड़े टंगे हैं, इनको मत देखो गीला है अभी। तो बाहर एक्चुअली वेदर नहीं सही है, तो बाहर सुखाने के लिए मैं यही किचन में टांग देती हूँ कि सूखते रहे। तो ये हाल है कि उन उसमें आना खानी अभी करने लगा इधर ही। थोड़े दिनों बाद ना बहुत अच्छे से पूजा करता है, सब शंख वंख प्रॉपर बजा के पूजा करता है। मैंने इसको शुरू से आदत डाली है कि पूजा आप, शाम की पूजा आप ही करोगे। मैंने एक तरीके से इसको ये मतलब हैंड ओवर कर दिया है, ये इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो है ना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 9 बज गए हैं और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सब चले गए हैं सिवा एक बच्चे के, वो मैं दिखाती हूँ। ये बच्चा आज स्कूल नहीं गया। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे बोला, जरा प्यार से। गुड मॉर्निंग। तो आज ये स्कूल नहीं गए, इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ। जरा टीवी धीमे करना। हुआ यूँ कि रात को मेरी थोड़ी सी जो तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे पता नहीं बीपी का क्या इशू था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर 2 बज गए इस तरह मुझे जागते जागते। फिर क्या हुआ कि मैंने मेडिसिन ली रात में 2 बजे और मैं सोई। जब मैं सोई तो फिर सोई गई, सुबह मैं उठ गई थी, टाइम से अलार्म बजा तो मैं उठ गई। वो धीमा कर दो ना, टीवी धीमा करो। रिमोट नहीं मिल रहा। रिमोट ढूंढो, किधर रखा, आपने ही तो लगाया है। हाँ तो फिर क्या हुआ कि मैं उठी और मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि आज पहले ही इसको भेज दूंगी, फिर नहाऊंगी तो थोड़ी देर सो लेती हूँ। मैं 5:30 तक उठूंगी, 6:30 की बस है इसकी, तब तक मैं इसे रेडी कर दूंगी, इसका टिफिन विफिन भी मैं बना दूंगी। लेकिन भैया जो सोए हैं, तो फिर तो बस भी निकल गई और हम उठ ही नहीं पाए। अब जब उठ नहीं पाए तो अब क्या करें, स्कूल भी नहीं गए हैं। ये हो गया आज कांड मेरे घर का। मतलब मेरी तबीयत की वजह से उसका स्कूल मिस हो गया। फिर मैंने छोटे वाले को भेज दिया। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये नहीं जाते हैं तो वो कहते हैं दादा नहीं गए हैं तो आज हम भी छुट्टी करेंगे। तो ये फिर उनको बड़ा मना दना के हमने स्कूल भेजा। हमने कहा बेटा क्लास वर्क सबसे बड़ा टेंशन क्लास वर्क का होता है, एक दिन का क्लास वर्क छूट जाए ना तो फिर कंप्लीट कराने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आप समझ गए आज क्या हुआ मेरे साथ। अब ये इनको पढ़ने बिठाया है हमने, हमने कहा स्कूल नहीं गए हो तो घर पे पढ़ाई करो अपना जो भी है, मैथ्स की प्रैक्टिस वगैरह करो। आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या मंगाया था। आज है ऑयली स्किन वालों के लिए कुछ टिप्स जो कि उन्हें मॉनसून वेदर में फॉलो करने चाहिए। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को यहीं एंड ना करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में ही मैं टिप देती हूँ, लास्ट में ही टिप दूंगी, है ना। और ये देखो आज मैं बना रही हूँ खीर। एक्चुअली दूध बहुत सारा इकट्ठा हो गया था फ्रिज में, मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं, जबकि इस समय मीठा वीठा सब अवॉइड कर रहे हैं हम। संजू का भी शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और
मुझे भी मना है, तो इसलिए मीठा और ऑयली फूड ये सब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा सा कम खाना है। लेकिन फिर मैंने कहा बच्चे ही खा लेंगे, थोड़ी कम मीठी बनाऊंगी खीर। तो आज खीर बना रही हूँ मैं। थोड़ा अपनी ज्योग्राफी ठीक करके आ गई हूँ, है ना। आपने सुहाग को ठीक कर लें, है ना। एक लड़का ना बदमाशी करता रहेगा सारा दिन। सही पकड़े हैं ना। आई लाइक इट। आज सोच लो मेरी खैर नहीं है। और ये देखो जो टेढ़ा मेरा आया था, अमेज़न से मंगवाया है। अच्छा चलो, ये देखो मेरे बेटे ने बता दिया। मैंने अमेज़न से, मैं बोल रही थी ना मैं कुछ दिखाऊंगी, मैंने ये मंगाया जो है स्पाइस रखने के लिए बॉक्स है। तो इस ये विद स्टैंड, इसमें 16 जार्स हैं और ये ना मूवेबल है। ये आपको जो चाहिए आप तुरंत, और ये 16 स्पाइसेस सोचिए कि आपके एक ही जगह एक ही स्टैंड में है और आपका स्पेस कितना इससे बच रहा है किचन का। मेरा तो बहुत छोटा किचन है इसलिए मुझे सोच समझ के चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। छोटे किचन मोस्टली जो 50 क्या हम कह लें 70% हाउसवाइफ्स होती हैं जिनके किचन छोटे होते हैं। और आपको बताएं जो मतलब एवरेज मिडिल क्लास हम जैसे लोग होते हैं जिनको, और फिर ऐसा सिटी जहाँ पे घर लेना मुश्किल बात है, और फिर आप छोटा मोटा सा प्लॉट लेते हैं उस पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो आप ज़्यादा बड़ा किचन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा किचन मेरे घर के हिसाब से 50 गज में मेरा घर बना हुआ है, तो उसमें अब छोटा सा किचन है, तो किचन में बस इधर ऐसे टर्न हुए और ऐसे टर्न हुए किचन ख़त्म। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो कम स्पेस जो है वो करें। और जो थोड़े और अपर मिडिल क्लास होते हैं तो उनके तो खैर थोड़ा इनसे बड़े किचन होते हैं, तो उनको खैर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वो अपने किचन को अच्छे से सजा बजा लेते हैं, सब कुछ मेंटेन हो जाता है। और जो उनसे ऊपर वाला क्लास होता है उनके किचन तो खैर हम जितना बड़ा शायद हम लोग हॉल लिविंग रूम बनाते हैं उतना बड़ा किचन होता हो, लेकिन उसमें शायद हाउसवाइफ जाती नहीं है, वहाँ पे कुक रहते हैं, तो वो टेंशन की हाउसवाइफ की टेंशन नहीं होती कि किचन में क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी गृहस्थी पसंद आई हो तो आप जो है ना लाइक करें, और अगर आपको ये चाहिए तो आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए, शिवू बहुत परेशान करता है ये जो है ना, आप ऑर्डर करना, आप अगर ऑर्डर करना चाहें और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो मेरे पीछे पीछे बोल रहे बहुत बदमाश है, आज सोच लो क्या होगा मेरे साथ। ये लोग स्कूल जाते हैं तभी भले लगते हैं। हाँ तो ये हो गया मेरा अमेज़ॉन की शॉपिंग, और मेरा जो है ना ये मंगलसूत्र जब टेढ़ा हो जाता है ना तो मुझे याद आ गया, तो मैं बता रही हूँ कि संजू कहते हैं कि तुम अपने सुहाग को खुद ही टेढ़ा मेढ़ा रखती हो। अब मोस्टली क्या करती हैं हाउसवाइफ जो है, जहाँ भी कुछ हुआ बिंदी चिपका दी, बाथरूम में और मिरर पे, तो कहेंगे तुम अपने सुहाग को इधर उधर चिपकाए घूमती हो। देखो हम यहाँ पढ़े, हमको यहाँ चिपकाया है तुमने, बताओ ये इतना वो करते हैं। मतलब हमने उनको चिपका दिया, बिंदी है और मंगलसूत्र है अगर इधर उधर टांग दे तो देखो हम यहाँ टंगे पड़े हैं, हमारी कोई चिंता ही नहीं है। बिंदी अगर कहीं चिपका दी देखो हमको यहाँ चिपका रखा है, मेरी कोई चिंता ही नहीं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें बड़ी भैया उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो ऐसे बोलते हैं, सुहाग की निशानियाँ हैं ना इसलिए। हो गई पढ़ाई, बस इतना ही स्कूल में पढ़ते हो, देख रहे हैं बहुत शैतान होते हैं बच्चे।
जिनके बच्चे होंगे वो मेरी परेशानी जानती होंगी कि इन लोगों के साथ डील करना सोचो ऑफिस वर्क से ज़्यादा मेहनत है, उससे ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ये तो हो गई मेरी अमेज़ॉन की जो शॉपिंग थी वो मैंने बताया आपको कि मैं दिखाऊंगी और वो मैंने आपको दिखा दी। अब बारी आती है टिप ऑफ द डे की। तो टिप ऑफ द डे ये है आज की कि हम अपनी ऑयली स्किन, जिनकी भी ऑयली स्किन है उनको हम इस मौसम में कैसे, मतलब उनको केयर करें, उनको अच्छे कैसे रखें, अपनी स्किन को, ऑयली स्किन को कैसे अच्छा रखें। तो देखिए गर्मी बरसात दोनों में का मिक्सचर है, कभी बरसात हो जाती है और कभी धूप निकल आती है तो चिपचिपाहट, पसीना और पिंपल्स और फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए कुछ आप घरेलू उपाय कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कोई भी ऑल स्किन टाइप हो, ये सबका प्रिस्क्रिप्शन है और सब जानते भी हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कराती हूँ कि 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिए। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए आप शुरू करते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दिन भर में 4-5 टाइम्स अपना फेस वॉश किसी अच्छे मेडिकेटेड फेस वॉश से वॉश करें, नहीं तो वो फेस वॉश यूज़ करें जो कि जिसमें फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं और जो है अपने फेस को ऑयल कम करने के लिए, जब भी फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाए आप एक्सट्रिंजेंट को कॉटन बॉल में लेके उससे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सट्रिंजेंट नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए। थर्ड ये है कि आप जो है हैवी मेकअप ना यूज़ करें और जो भी कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं वो क्रीम बेस्ड ना हो, ऑयल बेस्ड ना हो, वाटर बेस्ड हो। वाटर बेस्ड ही बेस्ट होता है और जैसे ही आप वापस आएँ और आप बिल्कुल लगे कि आप फ्री हैं आप अपना मेकअप रिमूव कर दें। स्किन को हमेशा साफ रखें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको मतलब पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप एक पैक इस मौसम में यूज़ करें। इस मौसम में क्या आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं ऑयली स्किन वाले, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर और बेसन को इक्वल क्वांटिटी में ले लें। अगर दो दो चम्मच लेना है तो तीनों चीज़ें दो दो चम्मच लें, और अगर आपको जो है एक एक चम्मच, मतलब जैसा आप यूज़ करते हैं तो आप तीनों चीज़ों को एक क्वांटिटी में लेके उसको मिक्स कर लें। मिक्स करके एक बॉक्स में, एक जार में भर के रख लें। जब भी आप फेस वॉश करने जा रहे हो तो उसका थोड़ा सा हथेली पे लेके और उसका पेस्ट बना के फेस को अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए उसको मसाज करके और वॉश कर लें। इससे आपका जितना भी फेस पे डर्ट है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारा कुछ निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा और बहुत घरेलू है, इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है। जैसे आप सोप यूज़ करते हैं या फेस वॉश यूज़ करते हैं तो ये भी एक फेस वॉश का ही काम करेगा, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और आप ऑयली स्किन के लिए इस मौसम में एक पैक यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल होममेड होगा। आप मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें नीम का एसेंस, या जिनको पिंपल्स निकलते हैं, जिनको स्किन का प्रॉब्लम है वो उनको बता रहे हैं कि नीम का एसेंस या मिंट का एसेंस मिक्स कर लें उसमें और उसको उसका पैक बना के अप्लाई करें। आपके पिंपल्स को, आपके ब्लैक हेड्स को जो है इससे बहुत रिलीफ मिलेगा और आपका फेस क्लीन होगा। और उसके साथ ये है कि बिल्कुल भी धूप में जाने से हो सके, जितना हो सके उतना बचें। और फिर भी अगर आपकी ज़रूरत है, आप वर्किंग है बाहर जाना और फील्ड वर्क है आपका, तो आप बाहर जाने से 10-15 मिनट पहले क्या लगाना है आपको, सनस्क्रीन अच्छी, अच्छे ब्रांड का, अच्छा जो वाकई जिसमें अच्छा प्रोटेक्शन हो, क्वालिटी हो, उसमें प्रोटेक्ट करने की आपको सन से, तो आप ज़रूर यूज़ करें। बारिश हो चाहे जो हो, आप ये ना सोचें कि आज धूप नहीं है तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाएं, आप ज़रूर लगा के निकलें। अपनी बॉडी को बिल्कुल गीला ना रहने दें। जैसे कि इस मौसम में क्या होता है कि पैरों की उंगलियों के बीच पानी रह गया या ज़्यादा देर आप गीले जूतों में रहे, भीग गए बाहर, तो उसके बाद जब भी घर आएँ तो अपने टॉवल से अच्छे से अपनी बॉडी को सुखाएँ, हल्के गुनगुने पानी से नहाएँ और अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से सुखा के कोई एंटीबैक्टीरियल
टैलकम पाउडर होता है, जो टैल्क होता है वो यूज़ करें, उसको लगाएं और बिल्कुल सूखा सूखा सा रखें अपनी बॉडी को, तो इससे आप फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो ये थे कुछ मेरे टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो आप अपना सकते हैं। इससे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और आपका फेस, जो मैंने फेस के लिए ऑयली स्किन के लिए जो बताया है, उससे भी आपका फेस को बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ग्लो करेंगे, साफ़ सुथरी स्किन रहेगी। तो ये मेरे टिप्स थे और आज का व्लॉग मैं एक गाने के साथ ख़त्म करती हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। मैं उसकी दो लाइन गाऊंगी, अब कॉपीराइट है चाहे जो हुआ है तो मैं गाऊंगी ज़रूर, तो मैं गाती हूँ। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरे चेहरा किसी का। तो ये था मेरा गाना। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा गाना अच्छा लगा हो, मेरी टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बता रही हूँ कि, और मतलब ये सारे प्रोसीजर के लिए मैं बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को नीचे देखें, वीडियो के नीचे देखें, एक रेड कलर का बटन होगा ना, सब्सक्राइब लिखा होगा उसके साइड में, उसको आपको टैप करना है, उस पर आप उंगली करनी है, अंगूठा वाला लाइक का होता है, तो आप इस पर लाइक पे उंगली कर दें और शेयर कर दें। उसके बाद अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। तो आप ये सारे काम करें और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, आप अपना खूब ख्याल रखें, खूब खुश रहें, अपने दिन को एंजॉय करें। बाय, लव।